हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो जैसे कि हम वाइब्रेशन का यूनिट 1 पढ़ रहे थे, ओके, तो ये पार्ट 11 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ओके, तो मैं हूँ आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कैमरा स्टेबल, गुड। हाँ, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, अभी तक आप देख रहे थे कि सिंगल स्प्रिंग में हमारा मास हिंज हुआ करता था, और उस पर हम उसका डेरिवेशन डिफरेंशियल इक्वेशन करके उससे हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा स्प्रिंग ऐसे पैरेलल हो या सीरीज में हो, इन डैट कंडीशन हमारा स्टिफनेस का फैक्टर क्या आएगा, के क्या आएगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे ये स्प्रिंग, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, इसका स्टिफनेस है स्प्रिंग का के वन, इसका स्टिफनेस है स्प्रिंग का दैट इज के टू, दैट इज मास एम। ओके, नाउ द डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ सिस्टम। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी इस पूरे सिस्टम का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना हो तो क्या क्या करोगे, जितने स्प्रिंग पैरेलली कनेक्ट हैं सबको आप ऐड करोगे, तब आपका इक्विवेलेंट डिफ्लेक्शन निकल के आएगा इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, देयरफॉर अब देखो, आपको फोर्स पता है स्प्रिंग के, ऐसे ही अगर है नीचे कौन सा फोर्स लगता है एम जी, ठीक है, और ऊपर कौन सा लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा के वन एक्स, यहाँ पे लगेगा के टू एक्स, ये फोर्स लगेगा अपोजिट फोर्स, बैलेंस जो करता है इसको। ठीक है, तो के वन एक्स फॉर दिस स्प्रिंग प्लस के टू एक्स फॉर दिस स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट फोर्स। ओके, देयर फॉर एक्स 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 कैंसिल, इक्विवेलेंट स्टिफनेस इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। दिस इज बहुत सिंपल टॉपिक है ये, वेयर के इज द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम, एक्स इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। एक्स डिफ्लेक्शन मतलब जो आप इसको डिफ्लेक्ट करोगे, तो अपने इक्विवेलेंट पोजीशन से जो आप डिफ्लेक्ट करोगे दैट इज एक्स। ओके, के वन के टू क्या है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जितने स्प्रिंग लगे हुए हैं, के एक्स इज द फोर्स ऑन द सिस्टम, इक्विवेलेंट फोर्स, फोर्स फॉर स्प्रिंग वन, फोर्स ऑफ स्प्रिंग टू। ओके, अगर यही चीज अगर सीरीज में लगी हो, इन दैट केस इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूँ, इस पैरेलल और सीरीज वालों के। ऐसे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उस क्वेश्चन में स्टिफनेस नहीं दिया होगा, सबसे पहले तो आपको स्टिफनेस कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर इस सिस्टम का नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टिफनेस चाहिए, स्टिफनेस तो है नहीं, तो इस सिस्टम का स्टिफनेस निकालने का, तो देखो सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज पैरेलल, तो पैरेलल का मैंने मेथड बता दिया कैसे निकालना है, अब आप सीरीज का देख लो। ठीक है, नाउ अगर सीरीज में जब स्प्रिंग लगा होता है, फिर इस सिस्टम का अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो क्या करोगे, जितने स्प्रिंग लगे हैं सबको आप क्या करोगे, सम। ठीक है, टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग। ठीक है, therefore deflection is equal to जितने स्प्रिंग लगे हैं सबका डिफ्लेक्शन, x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स, सबके डिफ्लेक्शन को आप प्लस करोगे। therefore अभी हमने पढ़ा था के एक्स फोर्स क्या होता है हमारा फॉर स्प्रिंग के लिए, के एक्स, तो x क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन के, तो फोर्स अपॉन के ई दैट इज फॉर इक्विवेलेंट, और x1 के लिए, फॉर स्प्रिंग 1 के लिए फोर्स अपॉन के 1, स्प्रिंग 2 के लिए फोर्स अपॉन के 2, ऐसे कंटिन्यूअस। तो फोर्स 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 कैंसिल, 1 अपॉन के ई इज इक्वल टू 1 अपॉन के 1 प्लस 1 अपॉन के 2 प्लस 1 अपॉन के 3, ऐसे इक्वेशन बनेगा। बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आप जब पढ़ते, तो सीरीज में आप प्लस कर देते थे पैरेलल के लिए, ऐसा आता था, बट इन केस ऑफ दिस आप देख रहे हो ये कैसे हमने ये चीज प्रूव की, अपोजिट। माइंड में आप रेजिस्टेंस वाला कोई फैक्टर मत लाना, यहाँ पे पैरेलल में ऐड होते हैं नॉर्मली, और इसमें उसके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऐड होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो फिर ऐसे आपको स्टिफनेस उस सिस्टम का निकालना होगा, निकालने के बाद उस सिस्टम का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चंस के मैं फिलहाल तो मेरा अभी है एम कि मैं सबसे पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, और अभी से मैं जो भी लेक्चर बना रहा हूं इस यूनिट का, सारे टॉपिक्स जो होंगे वो किसी ना किसी न्यूमेरिकल से कनेक्ट हैं। ठीक है, जो हाई लेवल का इस यूनिट है, जो न्यूमेरिकल है, वो हर एक टॉपिक से कनेक्ट है। बस क्या है, यहाँ पे हम के वन के टू रख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया होगा, टॉपिक्स के वैल्यू दिए होंगे, आप उसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो हम अलग अलग सिस्टम पे, अब आपको हम बहुत सारे सिस्टम, इस सिस्टम अभी स्प्रिंग टाइप का सिस्टम, साफ टाइप का सिस्टम, पेंडुलम टाइप के, इससे पहले भी बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद करोगे,
कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करोगे, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो थ्योरी पार्ट होता है मैंने वो आपको क्लियर किया है कि उसका कैसे सॉलिड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और कैसे उसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो आज ये यूनिट के जो मेन पार्ट्स हैं, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास हैं, मैं बेसिक्स एकदम अंदर तक नहीं जाऊंगा, और अकॉर्डिंग टू गेट के लिए, तो अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हो तो यूनिट वन को इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जो लास्ट टॉपिक है उसे छोड़ के यूनिट वन को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, एकदम अच्छे से पढ़ लेना, आप गेट के लिए जो एक दो क्वेश्चन आता है वाइब्रेशन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वाइब्रेशन में आपको गेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं भी उतना डीप में अभी नहीं जा रहा हूँ यूनिट वन में, जो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आते हैं मैं वही टॉपिक को कवर कराऊंगा, और बाकी अगर कुछ टॉपिक्स आप छूट रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने का, अदरवाइज आप देखना, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द 12 दिन के अंदर मुझे ये वाइब्रेशन पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो बस इस लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।